थोड़े ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया, ये बड़ी नक्सल वारदात में शामिल थे। नक्सली गोपी मोरिया उर्फ मंगल मोरिया ने अपनी पत्नी भारती कटम उर्फ रामी के साथ आत्मसमर्पण किया। बता दें कि गोपी 2002 में पीएलसीए सदस्य के रूप में सक्रिय रहा। गीतम थाना लूटने मुर्दोंडा के में बस पर हमला सहित जिले में बड़े बड़े नक्सल वारदातों को गोपी इसमें शामिल रहा था। गोपी अपनी 32 वर्षीय पत्नी भारती कट्टम के साथ मुख्य धारा में लौटकर जीवन जीना चाहता था, जिस वजह से उसने आत्मसमर्पण किया है। मेरे को ये जो बहुत परेशानी करती थी भारती कट्टम, ऐसा के मैंने खुद सोचा कि जाके मैं मुख्य धारा पे जोड़ के अच्छा जिंदगी जीऊंगा करके सोच के मैं ये फैसला करके अचानक मैं गया। अच्छी पहल है। अब उनकी विचारधारा में जो है लोगों जो भी काम कर रहे हैं, एक लंबे समय तक कार्य कर रहा है लगभग 16-17 साल बाद, और उसके बाद जो है स्वेच्छा से अगर आत्मसमर्पण कर रहा है और समाज की मुख्य धारा में जोड़ रहा है, निश्चित तौर से जो कहीं ना कहीं जो है नक्सली विचारधारा में कोई ना कोई खामी है, कोई ना कोई कमी है, और बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत है। रायपुर में